जल्दी करना, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती। थैंक यू कैरन। तुम कैसे हो? ठीक हो रफायला? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। वमालिया के हेनरी, मैं तुम्हें इस खून के लिए दोषी ठहराता हूँ। नहीं, नहीं। अलीसा, तुम एक अच्छी लड़की हो, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। और अगर मैं सब सुलझा दूं तो? मैं सिर्फ एक शैडो हूँ। रफायला को ढूंढना ये पनिशमेंट नहीं है। टैम को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें सब कुछ सुलझाना होगा, रफायला के खूनी को ढूंढना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत खतरनाक है, और अब मैं तुम्हें और टैमो को नहीं खोना चाहता। मैं क्लाउडियो को समझाऊंगी, मैं उसे कन्विंस करूंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ सजा भुगतने नहीं दूंगी जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। नहीं नहीं अलीसा, अलीसा नहीं, नहीं अलीसा, अलीसा सुनो मेरी बात। अलीसा, एलिजाबेथ का खून और ड्रैकुला के आंसू से मिलकर बनी 13 रूबीज में स्पेशल पावर। क्लैन वॉर्स के दौरान कई सारी रूबीज खो गई थी, सिर्फ कुछ ही क्लैंस बच पाए थे। द ड्रैकस, द लाइकाना, द नॉस्फेरस, द पिराज, द वायराड और द वमालिया। नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बेवकूफ, बेवकूफ, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने खुद इन पेपर्स पर साइन किए हैं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है अलीसा, तुम तो यही कह रही हो कि टोंका ने ये सब किया है। हमें तो प्रूफ चाहिए, इसके अलावा हम यकीन कैसे कर सकते हैं? हम कई दिनों से देख रहे हैं, तुम्हारा प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। क्योंकि ड्रैकुला ने उनको केजेस में रखा है। हमने ड्रैकुला से सामना किया है, हमने उसे गहरी नींद में सुलाया है। वो गुनहगार नहीं है, वो जिंदा है। क्या ये बात सच है? ये सच है, मैंने उनके दिमाग पढ़े हैं। उन्होंने एहसान नहीं किया है। तुम लोगों ने हमें ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं दिए जो तुम्हारी बात को सच ठहरा सके कि यूपीरी ने ये सब किया है। हमारा फैसला कायम रहेगा, वमालिया के हेनरिक को कल सूरज के सामने जाना ही पड़ेगा, समझी तुम? अब आप सब जा सकते हैं, और क्लास के लिए लेट मत होना। कंटे झूठ बोल रहा है, वो जानता है बाहर रूबी की चोरी कौन कर रहा है, वो बस दूसरों को बचा रहा है। कंटेसा को ये सब नहीं समझ रहा है, पर काफी स्ट्रेंज है, अंबर तो भरोसा नहीं करेगा। तो फिर क्लाउडियो हेनरिक को क्यों सजा दे रहा है? क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ है, वो शैडो से डरा हुआ है, क्योंकि वो उससे बदला लेंगे अगर हेनरिक्स को सजा नहीं मिली उसके गुनाह की। उसे लगता है कि वो एक तीर से दो निशाने मार रहा है। उन्हें बस यूपीरी जिंदा है उसका प्रूफ चाहिए ना, हम उसे खुद जाके ढूंढते हैं। टोंका ड्रैकुला की मदद कर रहा है, हमें किसी भी हालत में ड्रैकुला और रूबीज के बारे में पता लगाना ही होगा। हम वो कैसे करेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। वो लोग हेनरिक को क्या करेंगे? टैम मैं नहीं जानती, लेकिन हम उसे जरूर बचाएंगे। मुझे बताओ ना, मुझे जानना है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। हम अब शुरू करते हैं। अलीजा, अपनी जगह पर बैठो। जोआन, तुम भी। हम सुनना सीख चुके हैं, तो अब हम बात करना सीखते हैं। इसमें मेरे साथ एक दोस्त है, सिमुर, यहाँ आके खुश है। टैमो, यहाँ आके मुझे ज्वाइन करो ताकि तुम उससे बात करो। जानवर अच्छे दोस्त होते हैं, पर उनकी भाषा समझे तो और भी कुछ होते हैं। वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। ओके ओके, शांत हो जाओ सिमो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो
जैसे कि आप सबने देखा, जानवर हमसे ज्यादा सतर्क होते हैं और वो तुम्हें वार्न कर सकते हैं और रेड मास्क अटैक से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। स्वागत है हमारे छोटे से टेम्पररी और थोड़े से बदबूदार घर में। लार्स, ये क्या है? मुझे पता चल गया है कि हमें करना क्या है, लेकिन ये रिस्की है। लगता है इसमें मजा आने वाला है। वो यहाँ है। तुम क्या ढूंढ रही हो? शायद यहां कुछ छूट रहा है। क्या अगर अलीसा सही होगी? शायद ये अपीरी हो। जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही है। चलो इससे पहले किसी को पता चल जाए। टोंका, तुम्हारी और एक हार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर कैंटेसा के पास रूबीज है और मैं उसके पास नहीं जा सकती। तो किसी को ढूंढो जो ये कर सकता है। यस मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इस तरफ, उस कब्र के अंदर बेलोव रूबी है जिसकी वजह से ये सूरज की ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वॉर के पहले इस बेलोव क्लैन ने ग्रीमर क्लैन से हाथ मिला लिया और उनसे कहा कि वो सूरज की रोशनी कब्र के अंदर रखे जिससे उस रूबी की रक्षा हो। सूरज की रोशनी उसकी रक्षा करती है। मास्टर, आप ये रूबी कैसे हासिल कर पाओगे अगर इसकी रक्षा सनलाइट करती है? तो मैं ये जानने के लिए सनराइज तक रुकना पड़ेगा। ओह हाय। 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 मुझे माफ करना, मुझे निकलना पड़ा। हाँ नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, तुम चली गई तो इसमें कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो बाहर गई हैं, यू नो उनके रेड मास मीटिंग्स और हंट्स। क्या मैं कुछ पीने के लिए दूं तुम्हें? नहीं, मैं एक विश करना चाहती हूँ। एक विश? क्या तुम आना चाहोगे? हाँ 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 बिल्कुल, एक सेकंड। चुप जाओ, चलो चलते हैं। ओके। लार्स चलो। कहाँ है, कहाँ रखी होगी? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, तुम्हारे वापस आने से मैं खुश हूं, लेकिन तुम काफी अपसेट लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें हेल्प चाहिए? मैं मदद कर सकता हूं। जानती हूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या इतनी सीरियस बात है? तुम्हें पता है ना, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, या फिर मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। ये सबसे बुरा था, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये देखो मिल गया,
हमें वापस जाना होगा। मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे। रुक जाओ, एक विश, कोई अच्छी सी विश मांगना। लार्स, मेरी मन की बात मत सुनना, प्रॉमिस करो। ठीक है, नहीं सुनूंगा। थैंक यू। मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। अरे ये कौन है यहां, तुम अकेले क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? क्या तुम रास्ता भूल गए? स्वीटी, बिल्कुल डरना मत। तुम ठीक हो? नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे देखा जाए ऐसे हालात में पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है? अपने गुस्से को पूरी तरह उतार दो। तुम्हारा मतलब क्या है? मारो मुझे। क्या? देखो मुझे पता है तुम मारना चाहते हो किसी को, तो इसीलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। चलो मेरे हाथ पे मारो। ठीक है। ये क्या है, सिर्फ इतना ही? कम ऑन, उस गुस्से का इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर से। तुम ठीक हो? मैंने बहुत जोर से मारा ना। मुझे लगा मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हाँ तुमने मारा, कोई बात नहीं, अगर इससे तुम्हारा गुस्सा काबू में आ रहा है तो चलो। वैसे जैकेट काफी अच्छी है, तुम रेडी हो? हाँ। रिलैक्स हो जाओ। ये बुक हेंड्रिक को कैसे बचा सकती है? क्लाउडियो को हेंड्रिक के डिफेंस में प्रूफ चाहिए। शायद हमें यहाँ यूपीरी में कुछ मिल जाए ताकि हम टोंका को भी पकड़ पाए। देखो ये कितनी खूबसूरत है ना। एलिजाबेथ को इस बात का विश्वास कराया गया था कि जब ड्रैकुला युद्ध करने गया था तब उसकी मौत हो गई। ओह हाँ, इस स्टोरी के बारे में तो सबको पता है, तुम्हें नहीं पता? तुम एक वारिस थी, तुम्हें कैसे किसी ने नहीं बताया? मुझे नहीं बोला गया था, मुझे नहीं पता। ओह गॉड, एलिजाबेथ अपने प्यार के बिना जिंदा नहीं रह पाई, तो उसने सोचा कि वो उसके पीछे डार्कनेस में जाएगी। जब ड्रैकुला वापस आया और उसे ये पता चला तभी डेविल का जन्म हुआ। दोनों को अमर होने का वरदान दिया, बदले में उनकी आत्मा ली। जब वो वापस आई तब उसने खुद को देखा, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसने ड्रैकुला की तलवार से अपने आप को मार दिया। ड्रैकुला नीचे बैठा एलिजाबेथ के शरीर के पास, और जो खून एलिजाबेथ के शरीर से आ रहा था और उसने वो अपने आंसुओं से मिलाया, और इस तरह से जन्म हुआ 13 रुपीज का। पूरे 100 सालों बाद आज मेरा आंसू छलका है। लगता है मैंने उसे रुला दिया। वो नॉट, इसमें कहा गया है कि जब ड्रैकुला वो नॉट खोलता है तब उसका दिल अगर शैतान का है तो नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जब एलिजाबेथ वापस आ गई सब पूरी तरह वैम्पायर्स में बदल गए। अगर ये काट अच्छे वैम्पायर ने खोली जिसका दिल अभी भी इंसानों की तरह है तो इससे वैम्पायर्स का अंत हो सकता है। अभी वो नॉट कहाँ पे है?
उसे छुपा दिया गया है, पूरी दुनिया से परे, शायद रोशनी और अंधेरे के बीच में कहीं। स्पार्क चाहता क्या है? जब ड्रैकुला पूरी तरह से वैम्पायर में बदला, तब उसने अपनी आत्मा और इंसानियत खो दी। उसका प्रकृति पर सिर्फ एक ही चीज से संबंध था, स्पार्क। इसी से नॉट खोली जा सकती है। वो स्पार्क ड्रैकुला की इंसानियत का आखिरी पन्ना है। क्या इसलिए वो जो देखता है वो मैं देख पाती हूँ और जो फील करता है वो मैं फील करती हूँ? मुझे नहीं पता, शायद इस बुक में मिल जाए कहीं ना कहीं। मास्टर, मास्टर, सूरज निकल रहा है, हमें कहाँ छुपना है? हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। क्या सच में? मास्टर, ये धूप मुझे जला रही है। मुझे लगता है ड्रैकुला सूरज की किरणों को सह सकता है। क्या सच में? नहीं, मैं जानती हूँ। कोई तो आ रहा है, मैं उनके दिमाग पढ़ सकता हूँ। इस बुक को छिपाओ। यहाँ हो तो अलीसा मेरे साथ चलो और बाकी के सब रेस्ट करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हेनरिक के जाने का समय आ गया। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ अभी ऊपर चलो। उस बुक को छिपा दो। डैम, उसे देखने की जरूरत नहीं। पर उसे तो देखना था। काटा है, तुम इससे बाहर निकलो। तुम जरूर लड़ोगे, लड़ सकते हो।
पाक ड्रैकुला के इंसानियत का आखिरी पन्ना है। क्या इसी वजह से मैं सब कुछ देख सकती हूँ जो वो देख सकता है, और शायद महसूस भी कर सकती हूँ? मुझे ये भी लगता है कि ड्रैकुला शायद सूरज की शक्ति को रोक सकता है। लार्स, तुम और ड्रैकुला इस समय एक हो। जो वो कर सकता है वो तुम भी कर सकती हो। तुम हेनरिक को बचा सकती हो, तुम सूरज के किरणों से बच सकती हो। जाओ जाओ कैरन, कैमो को ले जाओ। एलिसा जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये घाव, ये ताजा है। यही तुम्हारा सबूत है? ये हो कैसे सकता है? मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, पर उसने तुम्हारी जान बचा ली। मैच हो रहा है। इन्होंने जो भी कहा सब सच है। अब हेनरिक को छोड़ दो, ताकि वो रफायला को गुडबाय कह सके।